वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 25 सितंबर को यूपी में लगेगा गरीब कल्याण मेला, दिव्यांगों को जोड़ने की कोशिश में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार प्रदेश के गरीब व पिछड़े वर्ग वाले लोगों के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाने के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश में ऐसे ही एक बड़े आयोजन की शुरुआत आगामी 25 सितंबर को होने जा रही है। गरीब कल्याण मेले के रूप में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी विकास खंडों में आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी ने इसके लिए सभी संबंधित विभागीय अफसरों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। 25 सितंबर को आयोजित होने वाले गरीब कल्याण मेले में अयोग्य मेले का भी आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार की बम्पर छूट, अब तक नहीं भरा है बिजली का बिल तो है मौका, सरचार्ज से 100% छूट। कोरोना काल में बिजली बिल का भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में किसानों, व्यापारियों व छोटे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सरचार्ज से 100% छूट देने के लिए 2 दिन में OTS का प्रारूप तैयार करके पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि बकाए पर उपभोक्ता को किसी तरह प्रताड़ित न किया जाए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को 2 दिन के भीतर व्यवहारिक OTS का प्रारूप तैयार कर सरकार के सामने पेश करने को कहा। आगरा में अब घर बैठे बनवाइए ड्राइविंग लाइसेंस, अक्टूबर माह से शुरू होगी प्रक्रिया। यूपी के आगरा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को RTO कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आने वाले अक्टूबर माह से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत सितंबर से होनी थी लेकिन कुछ कमियों की वजह से शुरू नहीं हो सकी थी। 15 से अमृतसर की सीधी उड़ान, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी हरी झंडी, विमानन कंपनी जारी करेगी फाइनल शेड्यूल। कानपुर से कोलकाता की सीधी फ्लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अमृतसर की सीधी विमान सेवा के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने यह प्रस्ताव दिया था। अन्य फ्लाइट्स के आने जाने के समय से नई फ्लाइट का समय न टकराए, इसलिए विचार विमर्श के बाद फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक 15 सितंबर से अमृतसर एयरपोर्ट से कानपुर के लिए विमान आएगा और यहां से उड़ान भरेगा। यूपी कैडेट काउंसलिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई, ऑनलाइन करें च्वाइस फिलिंग। उत्तर प्रदेश के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने UPCATET एडमिशंस 2021 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुक्रवार 3 सितंबर से शुरू कर दी। इससे पहले कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। UPCATET काउंसलिंग शेड्यूल में बताई गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण 3 सितंबर 2021 से शुरू हो गए हैं और 6 सितंबर 2021 को पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के बाद अब महिला मेट की हो रही है भर्ती। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिला पुरुष उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का सबसे सुनहरा अवसर चल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले यूपी के लगभग 58,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया चलाई गई थी। इन पदों पर जल्द ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर नियुक्ति दिए जाने को लेकर भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रयागराज में 2 दिन के दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन संगम नगरी में बिताएंगे। वो 11 सितंबर को प्रयागराज में पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के 600 करोड़ की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैंबर व नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। अगले 12 सितंबर को कुछ और कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उसी दिन वापस लौट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती उम्मीदवारों की याचिका का निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 2021 में शामिल होने वाली 2 गर्भवती महिलाओं की परीक्षा केंद्र बदलने संबंधी याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने इन याचिकाओं का निपटारा उस वक्त कर दिया जब उन्हें ये बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने NEET PG 2021 के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का 2 गर्भवती महिला उम्मीदवारों का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मात्र 50,000 में अपनी छत पर लगवाएं सोलर पैनल, होगी लाखों की कमाई, सरकार भी दे रही सब्सिडी। थोड़े इन्वेस्टमेंट में अगर आपका ज्यादा मुनाफा होगा तो सोलर पैनल लगवाइए। इसके लिए ना तो अलग से जगह की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा पैसों की। घर की खाली पड़ी छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया जा सकता है। इसके लिए सरकार भी खूब सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल ने आपके घर की बिजली का खर्च तो बचेगा ही, कमाई भी होगी। जरूरत भर की बिजली आप इस्तेमाल कीजिए और बाकी की बिजली बेच दीजिए। यूपी के गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाएगी योगी सरकार, जानिए घोषणा को लेकर क्या बोले मंत्री सुरेश राणा।
यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ी राहत दी। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और किसान संगठनों से बातचीत के बाद इसका औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। श्री राणा ने शुक्रवार को यहां लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गन्ना मूल्य में वृद्धि के लिए अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। रेलवे की बड़ी पहल, अब ट्रेन में रोबोट करेगा कोरोना का खात्मा, लखनऊ शताब्दी से होगी शुरुआत। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे विशेष पहल करने जा रहा है। अब ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। रेलवे ट्रेन की बोगियों में खास तरह का वायरलेस यूवी डिवाइस लगाएगा, इससे 2.5 मिनट में बोगी सैनिटाइज हो जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के अनुसार अभी यूवी तकनीक का इस्तेमाल एयर इंडिया एक्सप्रेस में हो रहा है। तहसील स्तर पर नए फायर स्टेशन बनाएगी योगी सरकार, यूपी के इन 97 स्थानों पर होगा निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तहसील स्तर पर चिन्हित 97 स्थानों पर नए अग्निशमन केंद्रों और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 3 दर्जन अग्निशमन केंद्रों के प्रशासनिक भवन बनकर लगभग तैयार हो गए हैं, जिनका लोकार्पण शीघ्र कराए जाने की योजना है। पूर्वी भारत का गेटवे बनेगा काशी, 424 करोड़ से 5 किलोमीटर के रोपवे के लिए एमओयू, यूपी का सबसे लंबा रोपवे होगा। बदलते वक्त में वाराणसी की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। कभी गलियों और चौराहों तक सीमित रहने वाले काशी जल्द पूर्वी भारत का गेटवे कहलाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से कैंट से गोदोलियों के बीच रोपवे परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद अब उसे धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। कैंट से गोदेलिया के बीच प्रस्तावित रोपवे के लिए एमओयू साइन हो गया है। डेंगू व वायरल बुखार से मौतों को लेकर प्रियंका व अखिलेश का सरकार पर हमला। यूपी में वायरल बुखार से मौतों पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार से बच्चों समेत 100 से अधिक लोगों की मृत्यु की खबर चिंताजनक है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की लापरवाही के चलते हुई तबाही से कोई सबक नहीं लिया? रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, लिया गया ये अहम फैसला। भारतीय रेलवे ने मंथली सीजन टिकटों को लेकर अहम फैसला लिया। भारतीय रेलवे के मुताबिक जो मंथली सीजन टिकट कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में एक्सपायर हुए थे, उन पर अभी भी सफर किया जा सकता है। हालांकि ये सहूलियत उत्तर रेलवे में चलने वाली चुनिंदा ट्रेन्स में मिलेगी। रेलवे ने इस सर्विस को फिर से शुरू कर दिया है। सर्विस के शुरू होने से अब रोज रोज टिकट के पैसे नहीं लगेंगे। दिल्ली के नजदीक घर खरीदने का मौका, ग्रेनो अथॉरिटी जल्द लॉन्च करेगी बने हुए मकानों की स्कीम। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जल्द ही मकानों की स्कीम्स लॉन्च करने जा रही है। खास बात यह है कि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही बायर्स को पोजीशन मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए अथॉरिटी की तरफ से ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। अगर नहीं है आपके पास साइकिल चलाने का ज्ञान तो नहीं होगा आपका चयन। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवक के 4,264 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो गई और 22 सितंबर तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों के 4,264 पदों पर भर्ती निकाली है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन के लिए किसी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि अभ्यर्थियों का चयन उनके 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा। डेंगू वायरल से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम, केवल फिरोजाबाद में ही 75 की मौत। पूरे प्रदेश में डेंगू व वायरल बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। केवल फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है। मथुरा में 17, मैनपुरी में 3, कासगंज में 2 लोग डेंगू और वायरल का शिकार हो चुके हैं। वहीं गोंडा में प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा मरीज संदिग्ध बुखार से पीड़ित अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं कानपुर में वायरल बुखार के कारण 7 दिन में 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फ्री में सफर करना हुआ बंद, लगेगा इतने रुपए का टोल। 10 से 15 सितंबर के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल का रेट जारी कर दिया। अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए लोगों को टोल भरना होगा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2.34 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल तय किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर बाइक और ऑटो को प्रतिबंधित किया गया है। जाने कब आयोजित हो सकती है 9,027 पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 9,027 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब लिखित परीक्षाओं का नंबर है। लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आगामी अक्टूबर के अंत में या नवम्बर माह के पहले सप्ताह में आयोजित करने की तैयारी में है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 9,534 पद भरे जाने हैं।
भाजपा में नए MLC के नामों का ऐलान जल्द। कोर कमेटी ने योगी कैबिनेट विस्तार पर किया विचार। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इसमें राज्यपाल के मनोनयन कोटे से बनने वाले 4 विधान परिषद सदस्यों, मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार के अलावा पार्टी के आगामी चुनावी कार्यक्रमों को लेकर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द नए MLC चयन के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। सूखे की मार झेल रहे धान पर अब कीड़ों का हमला। कृषि रक्षा इकाई अलर्ट, जाने रोकथाम के उपाय। बारिश न होने से धान सूखने को लेकर किसान परेशान हैं, तो कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने 15 तक बारिश की संभावना जताकर आशा की किरण दिखाई कि धान पर कीटों के प्रकोप की संभावनाओं ने किसानों की नींद उड़ा दी है। खरीफ की मुख्य फसल धान में मूल गोब, बेधक पत्ती, लपेटक कीट, हरा फुदका जैसे कीटों के लगने की आशंका प्रबल हो गई। लखनऊ के जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनय सिंह ने किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। 500 से अधिक GDS पदों पर निकली भर्तियां, सीधे मेरिट से होगा चयन। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए भर्तियां निकली हुई हैं। इंडिया पोस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तराखंड पोस्टल सर्कल के लिए 500 से अधिक भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो उम्मीदवार ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों पर भर्ती पाने के इच्छुक हैं, वे appost.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड को सौगात, इस जिले में बनेगा एयरपोर्ट। कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। सूचना विभाग के अनुसार ललितपुर में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क और बुंदेलखंड में विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि ललितपुर जिले में एक बल्क ड्रग पार्क और बुंदेलखंड में एक रक्षा गलियारा विकसित कर रहे हैं। 4 वर्ष में निर्यात 50 से 125 करोड़ तक पहुंचा। यूरोपियन देशों ने चीन के माल से बनाई दूरी। चीन के साथ यूरोपियन देशों के रिश्तों में खटास और भारत की विदेश नीति में सुधार के कारण कोविड के बाद निर्यात को पंख लगे। IIA के अनुसार 4 वर्ष में उत्पादों का निर्यात 50 करोड़ से बढ़कर करीब 125 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें मुख्य रूप से खेल का सामान, कारपेट, आभूषण, धातु के उत्पाद का निर्यात शामिल है। वहीं घरेलू नीतियों, शिपिंग कंपनीज की मनमानी और परिवहन भाड़े में बढ़ोतरी सहित अन्य समस्याएं भी उनके सामने आ रही हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।